हेलो गाइस, मैं आपसे तो पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पाता। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने योनो SBI का यूजर नेम अगर भूल गए हैं तो कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको अपने गूगल पे चलना है। ठीक है, गूगल पे चलने के बाद हम ऑनलाइन SBI टाइप करेंगे, जो कि SBI की मेन साइट है। और यार, आज वीडियो देख लीजिए क्योंकि अपना लोग यूजर नेम, ID, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं इसमें, प्रोफाइल पासवर्ड, जो कि भूल जाते हैं। तो मैं एक एक करके सब कुछ आपको बता देता हूं कि आप कैसे उसे वापस पा सकते हैं। ठीक है, अब आ गए, हमें पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे चार पांच ऑप्शन दिख रहे होंगे। सिंपल तरीके से आप पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर में एक लॉगिन का ऑप्शन है। आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, बस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और आप समझ जाएंगे। ये देखिए, अगर आपने ऐसा इंटरफेस खुलता है तो आप इसे क्या करिएगा, एक बार बस रिफ्रेश कर दीजिएगा। जब रिफ्रेश कर देंगे तो ये अपने ओरिजिनल मोड पे खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए खुल गया है, कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है सिंपल तरीके से। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे करते चलिए। आपको यूजर नेम आपका मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको फॉरगेट यूजर पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा फॉरगेट, यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, फॉरगेट माई लॉग इन पासवर्ड, फॉरगेट यूजर नेम, सेट लॉग इन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूव बाई ब्रांच, रिसेंट यूजर ID थ्रू SMS। तो आपको यूजर नेम करना है तो आपको यूजर नेम पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, यूजर नेम पे मैंने टिक कर लिया, हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे यूजर नेम पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ टिक करने के बाद, अब हम नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, CIF नंबर, कंट्री, INB रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इंटर द टेक्स्ट। आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीके से बस अपना पासबुक उठाना है। ठीक है, और पासबुक उठाने के बाद इसमें आपको अपना CIF नंबर डालना है। ठीक है, याद रहे मैं ये आपको आपका यूजर नेम पाने के लिए बता रहा हूं, क्या आप ऐसा प्रोसेस करेंगे तो आपको आपका यूजर नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो CIF नंबर आपको सिंपल तरीके से डाल देना है, सही सही, जो कि अकाउंट नंबर के जस्ट ऊपर रहता है पासबुक के अंदर। ठीक है, आपके खुद के पासबुक में रहेगा वो। और कंट्री में आपको इंडिया चूज कर लेना है। INB रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब INB का मतलब इंटरनेट बैंकिंग, इसका आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर चाहिए जो आपने योनो रजिस्ट्रेशन बनाते समय, नया जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था योनो का, तो आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा, वही नंबर यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा क्योंकि उसी नंबर पे OTP आता है। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से कुछ करना नहीं है, बस वही नंबर डाल देना है इसमें। और डालने के बाद नीचे आपको जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, बिल्कुल कैप्चा कोड बिल्कुल सही सही डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट कर देंगे, एक OTP आएगा, आप डाल देंगे, OTP डालने के बाद सबमिट कर देंगे, आपको आपका यूजर नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने इसे सिंपल तरीके से बताया। और मैं इसके बाद आपको ये भी बता दूंगा कि पासवर्ड कैसे फॉरगेट करते हैं और प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।